गोरखपुर न्यूज के हेडलाइन के प्रायोजक हैं एस्प्रा। गोरखपुर न्यूज के सह प्रायोजक हैं डॉक्टर राणा हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड एंड ट्रामा सेंटर। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कोरोना की चुनौतियों से निपटने तथा संचारी रोग नियंत्रण की समीक्षा। कहा, गुणवत्ता पूर्वक कराई जाए कोरोना की टेस्टिंग, इलाज में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। मुख्यमंत्री ने उत्तर प्रदेश में डेडिकेटेड इंफोटेनमेंट फिल्म सिटी जोन की स्थापना के संबंध में फिल्म जगत के महानुभावों के साथ की बैठक। कहा, समय की आवश्यकता है कि भारतीय सिनेमा को मिले एक नया मंच। जनपद गौतम बुद्ध नगर में प्रस्तावित फिल्म सिटी बनेगा भारत की पहचान का प्रतीक। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गोरखपुर मंडल के विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा। दिए निर्देश, कहा, कहीं भी निर्माण विकास कार्यों के प्रति लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित की जिम्मेदारी तय करते हुए उसके विरुद्ध की जाए सुनिश्चित कार्रवाई। सीतापुर नेत्र चिकित्सालय गोरखपुर में महिला कर्मचारी के ऊपर मरीजों को बाहर प्राइवेट नेत्र चिकित्सालय में इलाज कराने का लगा आरोप। अस्पताल में तैनात डॉक्टर रजत कुमार ने कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए, जांच कर की जाएगी कार्रवाई। एडीएम फाइनेंस की अध्यक्षता में संपन्न हुई त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन नामावली के पुनरीक्षण की तैयारी संबंधित बैठक। मतदाता सूची के पुनरीक्षण के समय सारणी से कराया अवगत। कहा, निर्वाचन नामावली को जन सामान्य के लिए 29 दिसंबर तक कराएं अंतिम प्रकाशन। एसडीएम सदर की अध्यक्षता में संपन्न हुई गोरखपुर पहल की बैठक। सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के दिए निर्देश। बेलीपार थाना क्षेत्र के भावपार गांव के बंसीपुरा टोला निवासी एक व्यक्ति ने बीती रात अपने घर में पंखे से मच्छरदानी द्वारा फांसी लगाकर की आत्महत्या। पुलिस ने शव को कस्टडी में लेकर भेजा पोस्टमार्टम के लिए। जलजमाव और टूटी सड़कों की बदहाली झेल रहे नकहा नंबर 1 घोसीपुरवा वार्ड नंबर 70 के नागरिक। पार्षद ने कहा, भेजा गया है प्रस्ताव, बजट मिलते ही बन जाएगा नाली और सड़क। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए महानगर के 22 स्वास्थ्य केंद्रों पर लगाया जा रहा है निशुल्क जांच शिविर। एसडीएम सदर ने कहा, कोरोना संक्रमण से बचने के लिए अवश्य कराएं कोरोना का निशुल्क जांच। समाजवादी पार्टी के पदाधिकारियों और अन्य संगठनों के लोगों द्वारा पार्टी कार्यालय पर संयुक्त प्रेस वार्ता किया गया आयोजित। सपा के एमएलसी पद पर घोषित उम्मीदवार को जिताने के लिए शिक्षकों से की गई अपील। गोरखपुर में मंगलवार को कोरोना के मिले 191 नए संक्रमित मरीज। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 14,312। 3 कोरोना मरीजों की हुई मौत। एक्टिव मरीज हुए 1,421। सीएमओ डॉक्टर श्रीकांत तिवारी ने की पुष्टि। गगहा पुलिस ने युवती को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आरोपी युवक को युवती के साथ किया गिरफ्तार। युवती को परिजनों को किया सुपुर्द, आरोपी युवक को भेजा जेल। सेवा भारती गोरक्ष प्रांत के तत्वावधान में आयोजित हुई गो उत्पाद पर आधारित एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला। गोरक्ष प्रांत के मंत्री ने कहा, प्रशिक्षण के जरिए बनाएंगे मास्टर ट्रेनर, बनाएंगे स्वावलंबी। और महानगर में मंगलवार को हुई झमाझम बारिश, उमस और गर्मी से मिली राहत। मौसम विभाग के अनुसार 24 से 26 सितंबर तक भारी बारिश के आसार।